जिला अस्पताल में रेफर मरीज को नहीं मिली एम्बुलेंस, ट्रामा सेंटर के बाहर तड़पता रहा मरीज। शिवपुरी के जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर मरीज को करीब एक घंटे तक एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके कारण मरीज करीब एक घंटे तक ट्रामा सेंटर के बाहर तड़पता मिला, जिसके बाद परिजन ऑटो करके मरीज को मेडिकल कॉलेज लेकर गए हैं। जानकारी के अनुसार मनियर के रहने वाले राजकुमार जाटव पुत्र बारेलाल जाटव उम्र 35 साल को शनिवार की देर शाम सीने में दर्द होने की शिकायत के चलते जिला अस्पताल लाया गया, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को फोन किया पर एक घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचे। मरीज ट्रामा सेंटर के बाहर तड़पता रहा, जिसके बाद शनिवार की रात 8 बजे परिजन अपने मरीज को ऑटो के माध्यम से मेडिकल कॉलेज के लिए लेकर रवाना हुए। तुम्हारा कहाँ के हो? मनियर के। ये बार कहाँ से डले हैं आपके पेशेंट? ये वो एम्बुलेंस नहीं आई ना। कितनी देर हो गई? एक घंटे। एक घंटा हो गया। क्या तकलीफ थी? ये छाती दुख रहा है। आप कहाँ ले जा रहे हो? मेडिकल कॉलेज। तो एक घंटे से एम्बुलेंस नहीं आई? नहीं आई। रेफर कर दिए? अच्छा, क्या नाम है इनका? राजकुमार। और पूरा नाम बताइए। राजकुमार जाटव। 108 पे कितनी बार फोन लगा लिया आपने? तीन चार बार। तो आप कैसे ले जा रहे हो अपने? ऑटो से। कितने में? 100 रुपये में। 100 रुपये, ठीक।